हेलो फ्रेंड्स, एक बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चंस पूछा गया था एक स्टूडेंट के द्वारा। उस क्वेश्चंस को आज मैं डील करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वो क्वेश्चन है, पूछा गया था कि व्हाई आर द नोबेल गैस प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप। मतलब किसी अक्रिय गैस को, अक्रिय गैस का मतलब निष्क्रिय, नोबेल गैस बोलते हैं उसको, अक्रिय निष्क्रिय वो भी बोल सकते हैं, उसे एक अलग से समूह में क्यों रखा जाता है। ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो चैप्टर है हमारा, और मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी है और एक चैप्टर भी अलग से किया गया तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों के वर्गीकरण में सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स में एक अलग सा भाग है जिसमें कि हमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल को पढ़ाया जाता है। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एक अलग सा ग्रुप है जिसे आप 18वां ग्रुप या शून्य ग्रुप कहा जाता है। और ये जो 18वां यानी शून्य ग्रुप है, इस ग्रुप में क्या किया गया है कि नोबेल गैसेस को एक अलग से उसको दिखा दिया गया है कि ये सभी नोबेल गैसेस हैं यहाँ पर, और ये जो है इस ग्रुप में रहेंगे। आप जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल को देखिएगा ध्यान से, तो उसमें एक 18 नंबर पे एक ग्रुप होगा जिसको कि आप शून्य ग्रुप कह सकते हैं, और इस ग्रुप में सबसे ऊपर पर होगा हीलियम। सबसे ऊपर पे जो है हीलियम है, जो कि एक नोबेल गैस है यानी अक्रिय गैस है। उसके बाद इसी में हीलियम के बाद जो है हीलियम नियोन आता है, और नियोन के बाद जो है वो आर्गन आता है, AR, क्रिप्टन, जेनॉन आता है और रेडवन आता है। तो यहां पर तीन, यहां पे टोटल मिलाकर के, कुल मिलाकर के इसमें क्या दिया गया है कि 6 नोबेल गैसेस हैं, और ये 6 नोबेल गैसेस में प्रॉपर्टी ये ओ नहीं है बल्कि जीरो, आप शून्य इसको बोल सकते हैं, ठीक है। 18वां ग्रुप है, यहाँ पे आप इसको जीरो बोल सकते हैं कि भाई ये जीरो ग्रुप है इस तरह से, और ये ग्रुप का नंबर है। तो इसमें ये सभी जितने भी यहाँ पर गैसेस हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये तो गैसियस स्टेज में रहते हैं, और ये सभी गैसेस के साथ फंडा ये है कि ये सभी किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करता। रिएक्शन नहीं करने का मतलब किसी दूसरे के साथ रिएक्टेबल नहीं है, और इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, बाहरी कक्षा जो है वो पूर्ण होती है। जैसे हीलियम का बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसी प्रकार से इसे रेस्ट, हीलियम को छोड़कर सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये अपना ऑक्टेट को फुलफिल करता है, ऑक्टेट को ये फॉलो करता है। तो इसलिए इसके लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया गया मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, जिसमें कि इसको सेपरेट करके अलग रखा गया कि ये सभी नोबेल गैसेस हैं, और इन सब की जो है एक ही प्रकार की, एक ही प्रकार का, लगभग एक ही प्रकार का इनका नेचर है, इसलिए सबको एक जगह पर रख दो। और ये सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं 6 के 6, ये सभी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बोलेगा कि आप क्यों इसको अलग किए हो, क्योंकि इसका जो गुणधर्म है, नेचर प्रॉपर्टीज जो इसका जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, वो क्या है कि इसका सबसे अलग है, और यह किसी भी तत्व से जो है ये भाग नहीं लेता जस्ट। और ये इसका जो संरचना है वो लगभग संरचना जो है, इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो संरचना बनता है वह लगभग किसके बाद आता है, तो हैलोजन्स ग्रुप के बाद आता है। तो इसके पहले जो ग्रुप है 17वां जो है वो हैलोजन्स ग्रुप में आते हैं, और इसके जस्ट बाद में ये आता है। तो आप इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्यों इसे अलग तरीके से रखा गया, अलग सा ग्रुप इसको क्यों दिया गया। कोई भी तत्व को अलग ग्रुप इसलिए दिया गया है, वह उसके गुणधर्म के आधार पर ही अलग सेपरेट किया गया है। अगर इनका नेचर एक जैसा है तो एक जैसे ग्रुप में इसको रखा गया है, और अलग से इसको ग्रुप कहा जाता है। तो खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।